Hello everyone, I hope you are doing well. Myself Achal. Today we are discussing about the MCQs on digital signature. Last class में हमने कुछ MCQs के बारे में बात कर ली थी, तो इस MCQ series में हम बात करने वाले हैं कुछ PYQs के बारे में और कुछ important question उन्हीं पे based. तो चलिए शुरू करते हैं. So, जैसे कि हम digital signature के बारे में बात करते last class में, तो digital signature से आपके पास जो questions आने वाले हैं वो बहुत ज़्यादा tough नहीं आने वाले हैं. कि इंजीनियरिंग लेवल पे आपका कोई क्वेश्चन पूछा जाए ऐसा कुछ नहीं होने वाला है. जो भी बेसिक लेवल में डिजिटल सिग्नेचर होता क्या है, क्या उसके यूज होते हैं, क्या उसके टाइप्स होते हैं, क्या एल्गोरिदम्स क्या होते हैं, इन सारी चीज़ों के बारे में पूछा जाएगा. और वो सारे ही टॉपिक्स हम क्या कर रहे हैं इसमें डिस्कस करने वाले हैं. ओके, तो आई होप समझ में आ गया होगा. तो चलिए शुरू करते हैं. तो सबसे पहला क्वेश्चन हमारा क्या है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट फॉर डिजिटल सिग्नेचर. इसमें से कौन सा ऐसा स्टेटमेंट है जो कि डिजिटल सिग्नेचर के करेक्ट नहीं है. सो द ऑप्शन इज इट इज़ अ मैकेनिज्म फॉर ऑथेंटिकेशन. सेकंड वन इज इट इज स्कैंड इमेज ऑफ वन सिग्नेचर. थर्ड वन इज इट इज क्रिएटेड बाय इनक्रिप्टिंग इंफॉर्मेशन. एंड द फोर्थ वन इज इट कैन नॉट बी डुप्लीकेटेड. इसमें से कौन सा ऐसा स्टेटमेंट है जो कि करेक्ट नहीं है डिजिटल सिग्नेचर के लिए. सो इट इज द करेक्ट आंसर इज इट इज स्कैंड इमेज ऑफ वन सिग्नेचर. जब हम स्कैंड इमेज किसी भी चीज़ में इंक्लूड करते हैं तो वो हमारे मोस्टली क्या होते हैं, सर्टिफिकेट्स होते हैं, है ना. जहाँ पर हम क्या करते हैं इमेज को, जहाँ पे सर्टिफिकेट्स या फिर हमारी कोई रिजल्ट वगैरह होते हैं, जहाँ पर हमें इमेज अपलोड करनी पड़ती है, तो हम क्या करते हैं वहाँ पर ये स्कैंड इमेज इंक्लूड करते हैं अपने सिग्नेचर के. जैसे कि हम कोई एग्जामिनेशन फॉर्म वगैरह फिल करते हैं वहाँ पर. डिजिटल सिग्नेचर क्या होता है, ये हमारा क्या है, एक तरह का बाइंड्री फॉर्म है. सपोज दी क्या मैथमेटिकल सीक्वेंस होता है जो कि यूज किया जाता है एक एक सिग्नेचर को बनाने के लिए, जिसमें अलग अलग यूनिक कैरेक्टर्स का यूज किया जाता है, नंबर्स का यूज किया जाता है उसे बनाने के लिए. ठीक है, इट इज द स्कैंड इमेज ऑफ वन सिग्नेचर. स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट फॉर डिजिटल सिग्नेचर. डिपेंडिंग ऑन द नेचर ऑफ द डॉक्यूमेंट बींग साइंड, एंड इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर इन द फॉर्म ऑफ अ स्कैंड इमेज ऑफ अ साइनर्स हैंड रिटन सिग्नेचर इज कंसीडर्ड टू बी लीगल. जब भी हम डॉक्यूमेंट की एक वैरायटी होती है जिसमें हम ये इंक्लूड करते हैं कि जैसे एडमिशन फॉर्म्स हो गए, ठीक, जैसे कि हमारे जो एग्जाम के फॉर्म्स हो गए, वहाँ पर क्या है कि हम डिजिटली साइन नहीं कर सकते किसी भी डॉक्यूमेंट को. हम क्या करते हैं वहाँ पर एक स्कैंड इमेज इंक्लूड कर देते हैं अपनी हैंड रिटन साइन की. तो वहाँ पर डॉक्यूमेंट के टाइप्स के अकॉर्डिंग हम क्या कर सकते हैं, उस इमेज को इंक्लूड कर सकते हैं. तो वहाँ पर हम क्या यूज़ करते हैं, स्कैंड इमेज यूज़ करते हैं किसी भी सिग्नेचर की. लीगली हमारे जो कंट्री में भी ये इमेज को बहुत ही अच्छे से मान्यता दी जाती है कि अगर आप कहीं पर भी जहाँ पर आप खुद मौजूद नहीं हो वहाँ पर आप क्या कर सकते हो, अपनी हैंड रिटन साइन को किसी भी पेपर पे इंक्लूड कर लो और उसकी स्कैंड इमेज इंक्लूड अपलोड कर सकते हो किसी भी डॉक्यूमेंट के लिए. ओके, आगे चलते हैं. देन आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज अ डिजिटल सिग्नेचर इज. सो द ऑप्शन इज अ स्कैंड सिग्नेचर. सेकेंड वन इज सिग्नेचर इन बाइनरी फॉर्म. थर्ड वन इज इनक्रिप्टिंग इन्फॉर्मेशन. एंड फोर्थ वन इज हैंड रिटन सिग्नेचर. डिजिटल सिग्नेचर क्या होता है, सिग्नेचर इन बाइनरी फॉर्म जिसमें क्या होते हैं मैथमेटिकल सीक्वेंस इंक्लूड होते हैं. और डिजिटल सिग्नेचर कंसिस्ट ऑफ अ स्मॉल अमाउंट ऑफ बाइनरी डेटा, टिपिकली लेस देन 256 बाइट्स से भी कम बाइनरी डेटा इंक्लूड होता है हमारे डिजिटल सिग्नेचर में. ओके, दिस सिग्नेचर कैन बी बंडल्ड विद द साइंड मैसेज और स्टोर्ड सेपरेटली डिपेंडिंग ऑन हाउ पर्टिकुलर एप्लीकेशन हैज बीन इम्प्लीमेंटेड. ये जो डेटा होता है, ये जो हमारा डिजिटल साइन है, वो एक पर्टिकुलरली केवल आप डिजिटल सिग्नेचर भी भेज सकते हो, अदरवाइज अगर आप चाहो तो कोई मैसेज भी इंक्लूड करके उसमें भेज सकते हो अकॉर्डिंग टू द नीड ऑफ दैट डॉक्यूमेंट और एन एप्लीकेशन. एप्लीकेशन के अकॉर्डिंग आप डिजिटल सिग्नेचर भी साथ में भेज सकते हो उसके ऑथेंटिकेशन के लिए, या फिर आप क्या कर सकते हो मैसेज के साथ भी भेज सकते हो अपने डिजिटल सिग्नेचर को. और नेक्स्ट क्वेश्चन इज Which of the following is not a benefit of using digital signature? इसमें से कौन सा ऐसा पॉइंट है जो कि फायदेमंद नहीं है हमारे डिजिटल सिग्नेचर के लिए. सो द ऑप्शन इज ऑथेंटिकेशन. सेकेंड वन नॉन रेपिडिएशन. थर्ड वन इज कॉन्फिडेंशियलिटी. एंड फोर्थ वन इज इंटीग्रिटी. नॉट अ बेनिफिट ऑफ डिजिटल सिग्नेचर क्या होगा, कॉन्फिडेंशियलिटी. बिकॉज इसमें क्या हो रहा है कि जब भी हम किसी को अपना मैसेज भेज रहे हैं तो वो क्या हो रहा है, किसी पर्टिकुलर रिसिपिएंट के पास जा रहा है वो ना, किसी रिसिपिएंट के पास है तो जा रहा है, तो कॉन्फिडेंशियलिटी कहाँ रहेगी इसमें. तो क्या हो गया हमारे पास, डिजिटल सिग्नेचर
provides authenticity protection, integrity protection, and non-repudiation but non-confidentiality protection. The result of a cryptographic transformation of data, when properly implemented, provides origin authentication, assurance of data integrity, and signatory non-repudiation. उसका आप दूसरी कॉपी नहीं बन रही है, वो साइन वैलिड है, डेटा की इंटीग्रिटी मौजूद है उसके अंदर, पर कॉन्फिडेंशियलिटी नहीं रह पाती है, बिकॉज वो क्या हो रहा है, पर्टिकुलर फॉर्म में कन्वर्ट हो रहा है और वो एक मैसेज से दूसरे रिसीवर के पास वो मैसेज पास हो रहा है. ओके, देन आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज, एएम इज यूज्ड टू वेरीफाई द ऑथेंटिसिटी ऑफ एन इलेक्ट्रॉनिक डॉक्यूमेंट. सो द ऑप्शन इज डिजिटल सिग्नेचर, सेकेंड वन इज इंटरनेट, थर्ड वन इज इंक्रिप्शन, एंड फोर्थ वन इज फायरवॉल. दिस वॉज अ केवाईसी क्वेश्चन. So the correct answer is digital signature. किसी भी इलेक्ट्रॉनिक डॉक्यूमेंट की ऑथेंटिसिटी को प्रूव करने के लिए हम किसका यूज कर सकते हैं, डिजिटल सिग्नेचर का यूज कर सकते हैं. सो व्हाट इज डिजिटल सिग्नेचर? अ डिजिटल सिग्नेचर इज अ मैथमेटिकल स्कीम फॉर वेरीफाइंग द ऑथेंटिसिटी ऑफ डिजिटल मैसेज और डॉक्यूमेंट. किसी भी डिजिटल मैसेज की या फिर डॉक्यूमेंट की ऑथेंटिसिटी को प्रूव करने के लिए हम क्या करें, डिजिटल सिग्नेचर का यूज करते हैं. Then our next question is, in digital signature, key is known to everyone. This question is also your KYQ question, that was a previous question. So the option is private, second one is integrity, third one is public, and the fourth one is foreign. Digital signature mein wo kaun si key hai jo sabko pata hai, matlab jo recipient hai usko pata hoti hai, to wo kaun si key hoti hai? Ek hamari public key. Last class mein private key aur public key dono ke bare mein baat kari hui thi. So the correct answer is public key. It is based on a public key cryptography and known as asymmetric cryptography. Asymmetric why? Because जो key है उसका particular एक lock है और जो lock है वो सिर्फ और सिर्फ उसी key से क्या होगा, open होगा, उसे उसी key से decrypt किया जा सकता है. Because this method is based on encryption and decryption. What is encryption? Encryption is made. Decryption is break. That is decryption. Decryption is what? Break. जो हमने encryption में बनाया है वो decryption में जाकर break किया जाता है. Okay? Which of the following can be used to provide security while conducting e-commerce? E-commerce मतलब के selling के time पे जो authenticity या फिर security provide करने के लिए हम किसका use कर सकते हैं? So the option digital signature, second one is email, third one is file, and the fourth one is internet. So the correct answer is digital signature. This was also your PYQ question. So kindly ensure that you have to revise these questions. So the correct answer is digital signature. So what is an e-commerce? E-commerce is something that used for a selling or and buying something. सेलिंग के लिए जब जिस बिजनेस को हम काम करते हैं उसको हम क्या कहते हैं, ई कॉमर्स कहते हैं. सो एंड डिजिटल सिग्नेचर इज इंटेंडेड टू सॉल्व द प्रॉब्लम ऑफ टेम्परिंग एंड इम्पर्सोनेशन इन डिजिटल कम्युनिकेशन. डिजिटल सिग्नेचर में जब ई कॉमर्स का काम क्या होगा कि अगर इन केस उसने क्या किया, अपने जो भी गुड्स वो सेल कर रहा है उसमें वो उसने डिजिटल सिग्नेचर इंक्लूड किया है, तो इन केस अगर वो जब एक सेंडर के पास, ई कॉमर्स में क्या हुआ, एक सेंडर होता है एक रिसीवर होता है. सेंडर क्या कर रहा है, गुड्स को सेल कर रहा है. रिसीवर क्या कर रहा है, उसी गुड्स को क्या कर रहा है, बाय कर रहा है. तो जब सेंडर रिसीवर को कोई भी प्रोडक्ट कोई भी गुड्स भेज रहा है उस टाइम पे अगर कोई भी टेम्पर्ड हो जाता है, कुछ भी वो सामान खराब हो जाता है, टेम्परिंग हो जाती है, इम्पर्सोनेशन हो जाता है, तो वो क्या कर सकता है, उसके लिए सेंडर क्या करेगा, एक डिजिटल सिग्नेचर इंक्लूड कर देगा. उससे क्या प्रूफ होगा कि जो हमारा रिसीवर है उसको ये पता चल जाएगा कि ये जो गुड्स आए हैं वो पर्टिकुलर एक प्रॉपर ऑथेंटिकेटेड सेलर के पास से आए हुए हैं. तो इस चीज को, किसी भी गुड्स का बदलना, किसी भी चीज का खराब हो जाना, उस चीज को ऑथेंटिफाई करने के लिए, ऑथेंटिकेट करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, ई कॉमर्स में ये डिजिटल सिग्नेचर को इंक्लूड किया जा सकता है. Digital signature can provide evidence of origin, identity, and status of electronic document, transaction, or digital messages. जो हमारे digital signature है वो क्या करेगा कि goods कहाँ से बना हुआ है, कहाँ पे भेजा गया है, जो कौन कौन से documents उसमें use हुए हैं, transaction यानी कि payment किस mode में हुआ है,
सारी चीजें क्या हो सकते हैं डिजिटल सिग्नेचर में हम अटैच कर सकते हैं. सो साइनर्स कैन ऑल्सो यूज देम टू एक्नॉलेज इन्फॉर्म कंसेंट. जो हमारे साइनर्स हैं वो भी क्या कर सकते हैं, एक्नॉलेज कर सकते हैं इन्फॉर्म कंसेंट को. ओके, देन आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग एल्गोरिथम इज यूज टू जनरेट डिजिटल सिग्नेचर. सो ये थोड़ा सा क्वेश्चन मैंने इंक्लूड किया जस्ट इन केस अगर आपसे पूछा जाए, थोड़ा सा इनडेप्थ अगर नॉलेज में पूछा जाएगा डिजिटल सिग्नेचर में, तो ये क्वेश्चन पूछ सकते हैं. सो द ऑप्शन इज आर एस ए, सेकेंड वन डी एस ए, थर्ड वन इज ई सी सी एंड द फोर्थ वन इज ऑल ऑफ द एबव. सो द करेक्ट आंसर इज ऑल ऑफ द एबव. बहुत ज्यादा इनडेप्थ जाने की जरूरत नहीं, बस ये याद रखना कि कौन कौन से एल्गोरिदम यूज होते हैं हमारे किसी भी डिजिटल सिग्नेचर को बनाने के लिए. सो द करेक्ट आंसर इज आर एस ए, डी एस ए एंड ई सी सी और ऑल कॉमन एल्गोरिज्म यूज टू जनरेट डिजिटल सिग्नेचर. आर एस ए क्या होता है, सबसे पुराना और बहुत ही ज्यादा यूज किए जाने वाला एल्गोरिदम होता है. और डी सी ए ई सी सी इस टाइम पे क्योंकि ये हमें क्या प्रोवाइड करता है, सिक्योरिटी और परफॉर्मेंस प्रोवाइड करता है, इसलिए ही ज्यादा यूज किया जाता है. अगर आपसे पूछा जाएगा ओल्डेस्ट एल्गोरिदम कौन सा होता है डी एस में, तो वी विल हैव टू आंसर आर एस ए. इफ इट वॉज आस्क दैट which algorithm provides security and performance, then we have to answer DSC or ECC. So, kindly answer the question wisely. Okay. Then our next question is, what is the purpose of a digital certificate? Digital certificate ka kya kaam hota hai? So, the option is to bind a public key to user's identity. Second one is to sign digital signature. Third one is to encrypt data. And the fourth one is all of the above. So, what is the work of our digital certificate? So, to bind a public key to user's identity, we need our digital certificates. Okay, so what is digital certificate? It is an electronic document that binds a public key to user's identity, and this allows user to parties to verify the authenticity of a digital signature. So, digital signature kya hota hai? Digital certificate mein difference kya hota hai? डिजिटल सिग्नेचर आपका जब भी कोई डॉक्यूमेंट होगा यहाँ पर साइन दिखेगा और उसी के जस्ट बगल आपको क्या दिखेगा, डीएस का सर्टिफिकेट दिखेगा. ये क्या करेगा, आपको एक ऑथेंटिसिटी प्रोवाइड करता है कि हाँ ये जो हमारी पब्लिक की है उस हमारी आइडेंटिटी से क्लोज करना और साथ ही साथ उसको ऑथेंटिसाइज करना, उस टाइम के लिए हम डीसी का यूज करते हैं, यानी कि डिजिटल सर्टिफिकेट का यूज करते हैं. देन आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज Which of the following is not a requirement for a digital signature? इनमें से कौन सी ऐसी चीज है जिसकी requirement नहीं होती है valid digital signature को बनाने के लिए? So the option is the signer must have a valid digital certificate. Second one is the document must be signed using a secure hashing algorithm. Hash algorithm को use किया जाता है digital signature को secure करने के लिए. Then third option is that the digital signature must be generated using a secure digital signature algorithm, and the fourth one is the digital signature must be encrypted. So the correct answer is the digital signature must be encrypted. Question में क्या पूछा गया है, valid digital signature के लिए कौन सी ऐसी चीज है जिसकी requirement नहीं होती है. Digital signature do not need to be encrypted. They are already secured by digital signature algorithm and the digital certificate. उसको digital signature को आपको अलग से encrypt करने की जरूरत नहीं पड़ती है. वो पूरा का पूरा किस पे बेस्ड होता है, की लॉक सिस्टम पे बेस्ड होता है. तो जिसके पास चाबी होगी सिर्फ वही उसको ओपन कर सकता है. तो अलग से सिक्योरिटी के लिए डिजिटल सिग्नेचर को इनक्रिप्ट करने की जरूरत नहीं होती है. और एक डीएस के साथ कभी कभी आपको डी सर्टिफिकेट भी यूज किया जाता है. देन आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द रोल ऑफ अ सर्टिफिकेट अथॉरिटी इन डिजिटल सिग्नेचर. सो द ऑप्शन इज टू इशू डिजिटल सर्टिफिकेट दैट बाइंड पब्लिक कीज टू आइडेंटिटीज. Second one is to generate and distribute private key to signers. Third one is to verify the authenticity of digital signature. And the fourth one is to store and manage digital signature. जो हमारे certificate authority है, उनका क्या काम होता है digital signature में? तो ये क्या काम करते हैं? To issue digital certificate that bind public keys to identities. Public key को identity से match करने के लिए, उनको bind करने के लिए हम क्या करते हैं? Digital certificate का use करते हैं. सर्टिफिकेट अथॉरिटी क्या होता है, ये एक ट्रस्टेड एंटिटी होती है जो कि डिजिटल सर्टिफिकेट को क्या करती है, इशू करती है. दिस सर्टिफिकेट्स बाइंड अ साइनर्स पब्लिक की टू आइडेंटिटी प्रोवाइडिंग अ मींस टू वेरीफाई दैट अ सिग्नेचर इंडीड बिलोंग्स टू अ क्लेम साइनर. इसका मतलब क्या होगा,
ये हमारे पास एक आइडेंटिटी, मतलब ये एक फर्म हो गया जो क्या कर रही है, डिजिटल सिग्नेचर को इश्यू कर रही है, तो ये क्या कर रही है, एक ऑथेंटिकेट कर रही है कि जो ये साइन इस डॉक्यूमेंट पे मौजूद है ये पर्टिकुलर इस आदमी को क्या कर रही है, उसकी आइडेंटिटी को प्रूव कर रही है, उसको ऑथेंटिकेट कर रही है. ओके, सर्टिफिकेट अथॉरिटी प्लेज अ क्रूशियल रोल इन एस्टैब्लिशिंग ट्रस्ट इन डिजिटल सिग्नेचर बाय इंश्योरिंग द अथॉरिटी ऑफ अ पब्लिक पर्सन. क्या करता है, हम उनके ट्रस्ट को और उनके ट्रस्ट को ऑथेंटिसिटी को क्या करना, सिक्योर करना, उनको प्रूव करना, ये काम हमारा कौन करता है, डिजिटल सर्टिफिकेट अथॉरिटी करती है. देन अवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग फाइल फॉर्मेट्स कॉमनली इनकॉर्पोरेट्स डिजिटल सिग्नेचर. सो द ऑप्शन इज PDF, सेकेंड वन इज JPEG, थर्ड वन इज MP3 एंड फोर्थ वन इज HTML. जब भी आपने कहीं पर भी किसी भी सर्टिफिकेट को डाउनलोड किया होगा कहीं पे, तब वहां पर आपको डिजिटल सिग्नेचर मिलते हैं. डाउनलोड किया इसका मतलब क्या हुआ, वो किस फॉर्मेट में होगा, PDF के फॉर्मेट में होगा. बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. सो द करेक्ट आंसर इज PDF, पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट जो होता है, ये क्या होता है, एक फाइल फॉर्मेट होता है जो सपोर्ट करता है डिजिटल सिग्नेचर को अपने अंदर एम्बेडेड करने के लिए या फिर उसको बना करके अपने अंदर स्टोर करने के लिए. ओके, दिस अलाउज फॉर वेरीफाइंग द अथॉरिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ अ PDF डॉक्यूमेंट, इंश्योरिंग दैट हैवंट बीन टेम्पर्ड विद अ साइंस सिंस साइनिंग PDF सपोर्ट फॉर डिजिटल सिग्नेचर मेक इट अ पॉपुलर चॉइस फॉर लीगली बाइंडिंग डॉक्यूमेंट्स एंड इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजेक्शन. क्योंकि हम PDF में डिजिटल सिग्नेचर को इंक्लूड कर सकते हैं, इसलिए एक बहुत ही अच्छा ऑप्शन हो गया किसी भी डॉक्यूमेंट की ऑथेंटिसिटी को, उनको सिक्योर करने के लिए कि हाँ जो भी डॉक्यूमेंट आपको दिख रहा है वो कहीं से भी टेम्पर नहीं हुआ, उसे किसी ने भी हैक नहीं किया, किसी ने उसको खराब नहीं किया है, एज इट इज आपको यहाँ ऐसे यहाँ से भेजा गया है. सो दिस इज ऑल फॉर टुडे, आई होप आपको समझ में आ गया होगा. डिजिटल सिग्नेचर से इतने क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, जो भी क्वेश्चन पूछे जाएंगे वो आपको इजी में से घुमा के पूछे जा सकते हैं. एंड अगर कोई और डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग.